हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? अदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्तां। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देशों के सिनेमा का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्था दिखी, वहाँ तक के सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है, ये बात दुनिया को समझाने की ज़रूरत है। ज़रूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझाने की है, जिसके लिए प्यार पहली नज़र का बुखार होता है। लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमारी छोड़ जाता है जो न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास के पूरे समाज को संक्रमित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 युवतियों की है, 3 पाले के एक तरफ और 4थी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो भी इसे दुनिया को दिखाया ही जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द के प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही है, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सीरियस से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों के लोगों के असल इंटरव्यू दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है, नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है, उनमें से एक उसे ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहाँ से वापस की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहाँ आकर थमता है, जहाँ उसके जैसी तमाम लड़कियाँ आतंकवादी संगठन ISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वे इन आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियों फिल्म में और भी है, लेकिन जिस सिर्फ ये एक कहानी झजो कर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानियों पर ये फिल्म बनी है, उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आपबीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवतियों को बरगलाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मरोड़ कर समझाए जाते हैं, यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं और सिया मसीहों के बारे में तमाम ऐसी बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखते रहते। जाके नायक जैसे धर्म प्रचारक के हथकंडों का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है
जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। अदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठा रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी मान से मलयालम उन्हें गुट्टी में मिली ही है और पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में न आने के बावजूद सिर्फ अदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवत्सा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाने समय इसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया है और उनकी पसंदीदा अदाकार अदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलने ही मिलने हैं। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी की सहेलियों के किरदारों में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्मिता गवाकर होश में आई लड़की की घुटने न टेकने वाले ऐलान तक के दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इसे पूरे षड्यंत्र का पर्दा फाश करने का बिड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर इसके सारे अवयवों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बाला फुसला कर उन युवकों के आगोश में पहुँचाने की जिम्मेदारी है जो इनका शील भंग करके इन्हें अपने कहे रस्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगते ही रहेंगे, लेकिन इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन ने तथ्यों पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की कोशिश अच्छी की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन एक अचानक की गंभीरता जताने के लिए जरूर भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्तो की नजदीकियां यहाँ उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्तो के सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वह उनकी शैली के कायल ही रहे हैं। वह सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्यों की